All right, in this video we are going to discuss about the basics of probability. Uh, it's your first video, so in this video we are going to talk about the basics. Probability होता क्या है? अगर हम probability को बहुत ही general कहें तो हम ये कहेंगे कि it's a measure of chance. किसी भी chance को आपने measure करना हो तो वो उसको हम कहते हैं probability. Example, बहुत ही common example हम लेते हैं भाई rain की. या तो आज बारिश होगी भाई कितने परसेंट चांसेस हैं तो ये हो गया चांस तो मान लीजिए कि हमें क्लाइमेट ने बताया महकमा मौसमियात ने बताया कि अगर बारिश होगी उसके परसेंट हैं हमारे पास सिक्सटी परसेंट चांस है कि बारिश होगी तो अगर बारिश नहीं होगी तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी येस यू आर राइट उसकी पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास फोर्टी परसेंट और हम कहेंगे रेन और ना होने को हम डिफाइन कर देंगे एक अपोस्ट्रॉफी लगा के रेन कॉम्प्लीमेंट और राइट तो अगर बारिश हो रही है ये आपके पास सिक्सटी परसेंट है अगर बारिश नहीं हो रही है, ये आपके पास फोर्टी परसेंट है यही तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है अब इसको हम जनरली इस तरह डिफ़ाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई फॉर इवेंट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फेवरेबल का मतलब वो आउटकम जिसको आप चाह रहे हैं कि वो आ जाए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास सैम्पल स्पेस अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है ठीक है तो अब हम बात करते हैं जरा सैंपल स्पेस के बारे में सैंपल स्पेस बेसिकली क्या होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और लाइक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये होता है आपके पास सैंपल स्पेस अब इसकी सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पेपर होंगे सी आई के तो आपका क्या रिजल्ट आएगा या तो आपके पास ए स्टार आ सकता है ए आ सकता है बी आ सकता है सी डी ई एंड देन यू तो ये आपके पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज़ योर टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स के सी आई में आपका इन ग्रेड में से कोई एक ग्रेड आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये जो सेवन हुआ मेरे पास ये मेरा क्या हुआ दैट इज़ माई सैम्पल स्पेस अब एग्जाम्पल लें आप कॉइन की ठीक है एक कॉइन है अगर आप उस कॉइन को फ्लिप करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा भाई या तो हेड आ सकता है या कि टेल आ सकता है और तो कुछ नहीं आएगा तो कॉइन का जो आपके पास सैम्पल स्पेस होगा वो कितना हो जाएगा दैट इज़ टू अगर मैं बात करता हूँ डाइस की आई होप कि सब ने लूडो खेला होता है डाइस का सैम्पल स्पेस क्या होगा भाई डाइस आपने किया तो आपके पास छः पॉसिबल आउटकम्स हैं तो वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा फाइव आएगा सिक्स आएगा तो मेरे पास सैम्पल स्पेस क्या हो गया सैम्पल स्पेस हो जाएगा मेरे पास सिक्स के सिक्स पॉसिबल आउटकम्स हैं तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में हमें सैम्पल स्पेस समझ में आ गया इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम जो कि आ सकता है अब सी में किसी का रिजल्ट टी थोड़ी आएगा किसी का रिज़ल्ट जी थोड़ी आएगा बस ये ग्रेड्स हैं आपके पास तो जो आ सकता है वो आपके पास सैम्पल स्पेस है क्वाइन में हेड आएगा या टेल आएगा ऐसा थोड़ी कोई एक नया आउटकम आ जाएगी पॉसिबल नहीं है तो सैम्पल स्पेस आपके पास टू होता है अब आते हैं कि ये जो ऊपर लिखा हुआ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अब क्वाइन से स्टार्ट करते हैं ठीक है क्वाइन से स्टार्ट करते हैं अब मैं आपसे कहूँ वॉट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप एक क्वाइन को फ्लिप करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ टेल अब ये जो तो टेल हुआ आपका ये क्या हुआ नाउ दैट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम के अब मैं फोकस कर रहा हूँ टेल के ऊपर तो इसको हम कहेंगे कि टेल हमारे पास फेवरेबल आउटकम है ठीक है फॉर्मूला लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवेंट क्या है मेरा टेल आना अब टेल आने के चांसेस क्या हैं भाई कॉइन में टेल आने का चांस एक होता है तो टेल आने के चांसेस मेरे पास वन होंगे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चांसेस टू हैं तो ये मेरे पास टेल की प्रोबेबिलिटी है वन ओवर टू इसी तरह अगर हम बात करते हैं डाइस की मैं आपसे कहूँ वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास डाइस का सैम्पल स्पेस क्या होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ़ इवन नंबर ये मेरा इवेंट आ गया इवन नंबर सैम्पल स्पेस क्या है भाई सिक्स है लिख दिया अब आप ये देखो कि आपके पास इवन नंबर्स कितने हैं एक नंबर टू है आपके पास एक नंबर फोर है आपके पास एक नंबर सिक्स है तो तीन मेरे पास आउटकम्स हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स हैं फेवरेबल आउटकम्स हैं तो ये आएगा थ्री तो आंसर क्या बनेगा आपके पास वन ओवर टू प्रोबेबिलिटी को आपने लाजमी सिंप्लीफाई करना होता है तो न्यूमिनेटर क्या होता है बेटा आपका फेवरेबल आउटकम वो चीज़ जो आपको चाहिए डिवाइड में कौन आएगा आपके पास सैम्पल स्पेस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अब जहाँ से हमने क्लास स्टार्ट करी थी आपके ग्रेड्स के हिसाब से, से क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका ग्रेड जो है वो एस्टेरिका है इन शाह अब अगर आपका ग्रेड ए स्टेरिक आए तो ए स्टेरिक आने का चांस कितना है भाई इन सब में ए स्टेरिक का चांस है आपके पास वन आउट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स आपके पास थे सेवन तो ये आंसर आएगा आपके पास वन ओवर सेवन सो दैट इज़ द बेसिक सेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या होता है इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ चांस फॉमूला क्या है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस सैम्पल स्पेस क्या होता है टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स हमने यहाँ एग्जाम्पल कंसिडर करी कॉइन की और डाइस की और हमने कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन टाइप किया कि अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर हम, हमारे पास तीन हो सकते हैं तो थ्री डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स आपके पास सिक्स हैं तो आंसर आ जाएगा वन ओवर टू